नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। निषाद पार्टी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों का समर्थन करेगी, जिसके संबंध में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और जो निषाद पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, पहले चरण में तबीयत खराब होने की वजह से बात नहीं हो पाई थी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ गए थे, लेकिन वो सभी लोग भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। भाजपा ने दूसरे चरण में हमको जगह दिया है, जिसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे जिले से प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे उनको मनोनीत पार्षद बनाकर सदन में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ है, निषाद समाज को सम्मान मिल रहा है और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के महापौर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव का समर्थन कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, देखिए मैं मेरे कोर्ट में तारीख थी, पेशी थी, कल अचानक हमें आना पड़ा है और उसमें न्यायालय का सम्मान करने हमें आना पड़ता है क्योंकि लोकतंत्र का स्थापना में न्यायालय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा, लोग चुनाव भी है, चुनाव में लोगों को कार्यकर्ताओं को संतुष्ट भी करना था, क्योंकि पहले चरण में कुछ संवाद की कमी की वजह से, हमारी तबीयत खराब होने की वजह से, अचानक पहली लिस्ट में चर्चा न होने की वजह से जगह नहीं मिल पाई थी निषाद पार्टी को। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कुछ चुनाव लड़ गए थे और उन्हें बताना था, तो कुछ तो तुरंत बैठ गए थे, कुछ पड़े हुए थे, उनको एडजस्ट कराना था। अब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी NDA के एक ही है और ये प्रदेश में हमें चुनाव, ये गोरखपुर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारी निषाद पार्टी की जड़ है, तो यहाँ NDA जो है ये मतलब ये हम लोकसभा और विधानसभा का गठबंधन है, क्योंकि नगर निगम पहली बार है, ये छोटा चुनाव था, कार्यकर्ताओं का चुनाव था। तो दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने हमें जगह दी है, जोपन में, सोनभद्र में, कुछ संत कबीर नगर में हमारे कार्यकर्ता जो है वो लड़ रहे हैं। तो पहले चुनाव में आए बातचीत हुई है कि जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनको हम किसी भी तरीके से सदन में भेजेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। निश्चित रूप से समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत के आएंगे और वो बिना चुनाव लड़े भी अपने हिसाब से जो सदन की व्यवस्था है लोकतंत्र की, वो मनोनीत के रूप में उनको हम भिजवा देंगे। उनको मतलब हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि जिसको हम लाएंगे वो सम्मान सहित रखेंगे और उनको हम लोग नगर पालिका के उस सदन में हमने मनोनीत करा देंगे। क्या लगता है, मैं तो यही कहूँगा उनका एक बार मार्कशीट देख लीजिए, उसमें निषाद लिखा हो तो निषाद है, वो तो गुजराती ब्राह्मण बेचारी हैं, एक निषाद को फंसा सकती, समाज को थोड़ी फंसा पाएंगी। आज निषाद समुदाय खुद की पार्टी बना रखा है और वो अपनी पार्टी के साथ है और उसे मालूम है कि प्रत्याशी के साथ रहने से कितना फ़ायदा है, पार्टी के साथ है। पहले प्रत्याशियों के साथ रहते थे तो यही पार्टियाँ कितना सताती थी मछुआ समुदाय को, आरक्षण के नाम पर गोली चलवाती थी, किस तरीके से सताती रही, कसरवल कांड है, लखनऊ लाठीचार्ज कांड, सब कुछ मालूम है। सपा बसपा ने इनका जो है वर्तीन की जमीन छीन ली, ऐसे ढेर सारे किस्से हैं। पहले कोटा मल्लावा के नाम से इनकी पिटाई होती थी, अब निषाद जी के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से आज सम्मान बढ़ रहा है, मान सम्मान स्वाभिमान सब बढ़ रहा है और उसके वजह से आज के दिन में निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी प्रचार है। कम से कम 12 योजनाओं का लाभ मछुआ कल्याण कोष में, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, ये सारी कुछ चीज़ें आज हमारे इस हमारे साथ रहने की वजह से हुआ है। निश्चित रूप से अभी बनाएंगे, मंगलेश श्रीवास्तव जी भी आ रहे हैं और हम इनसे कहेंगे, अभी प्रमुख कार्यकर्ता मूल कार्यकर्ता है और इनको बताएंगे, भाई जिस तरीके से आप हमारे साथ 2013 से निषाद राज किले पर आए हो तो आपके सम्मान को भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही, मोदी जी निषाद राज का नारा लगाते, योगी जी भी लगा रहे हैं, तुम्हारा सम्मान बड़ा होना चाहिए। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, निषाद राज किले पर निषाद राज की मूर्ति, पर्यटक स्थल घोषित करना और आप लोगों को सम्मान देना ये जारी है। तो आज के दिन में यहाँ जो मंगलेश जी लड़ रहे हैं उनको चुनाव प्रचार करके, निश्चित रूप से पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा।